मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के तारापुर रोड पर चून की दुकान करने वाले युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने 16,000 रुपए लूटे। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित थाने पहुंचा। बता दें कि समीर पुत्र रियासत अली तारापुर रोड पर परचून दुकान करता है। बीती रात को अपनी दुकान बंद कर घर के लिए जा रहा था। जैसे ही समीर ने दुकान बंद कर पलटा, तभी स्कूटी में बाइक सवार 3-4 बदमाश आए। समीर के साथ पहले तो मारपीट की, उसके बाद जेब में रखे 16,000 लूट कर ले गए। समीर का कहना है कि आरोपियों के चेहरे से मैं पहचान लूंगा कि मेरे पास के ही रहने वाले हैं। बेटे की शिकायत लेकर रियासत अली थाने पहुंचा, जहां ज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर लेकर जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समीर, आप चौकी पर आए थे, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ में थोड़ी मैं दुकान बंद करके आ रहा था अपनी। मैं दुकान बंद करके ही उतरा, वहाँ पे मेरे साथ में मारपीट हुई है, मेरे साथ में लूट हुई है, मेरे पैसे वैसे छीन लिया मारा है। और कितने लोग थे? वो 3 जने थे। काय पे आए थे? वो स्कूटर पे आए थे। स्कूटर का नंबर वगैरह देखा आपने? नहीं, स्कूटर का नंबर वगैरह नहीं देखा, बाकी है उसी के लिए गई, शकल देख के पहचान लेंगे। कितने पैसे लेकर गए आपसे? 15-16 हज़ार रुपये थे ये इनमें, और इनकी दुकानदारी थी जो तो लेकर गए। कोई तमंचा वमंचा दिखा के ऐसे ही लूटे तुमसे? नहीं, ऐसे पीछे से आकर डबोच लिया था 3 जनों ने, वो वहीं पर दुकान के पत्थर भी गिरा कर मारा भी और पैसे छीन के ले गए।